हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। चिकित्सा क्षेत्र से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है बिहार की। ओके, तो न्यूज ये है आपकी कि बिहार में 3,270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 30 से 45 दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चिकित्सकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी चिकित्सकों को विभिन्न जिलों में नियुक्त कर दिया जाएगा। इससे संपूर्ण चिकित्सा पद्धति को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तारामंडल सभागार में एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन बिहार द्वारा 6ठे विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस और कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में पहुँचे स्वास्थ्य मंत्री ने ये बातें कहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा और सिद्धा के अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति भी प्राचीन पद्धति है। केंद्र और राज्य सरकार यूनानी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा और शिक्षा तेजी से काम कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही आपके लिए बिहार चिकित्सा विभाग से इम्पोर्टेंट न्यूज। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में आपका चुनाव हो चुका है और बीजेपी यहाँ की पार्टी जो कि इस प्रदेश की सरकार चलाएगी और आपकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स वगैरह हैं ये जल्द ही स्टार्ट होंगे और आपकी जो डेट है स्पेशली एनएम 9212 वैकेंसीज की, तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।